लोगों की आर्कएंजल माइकल फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। जिन लोगों को आर्कएंजल माइकल पर पूरा फेथ है, बिलीव है, ट्रस्ट है, जिन लोगों को लगता है कि मुश्किल वक्त पर आर्कएंजल माइकल को कॉल करने से, उनको बुलाने से, उनसे प्रे करने से उनकी मदद करते हैं आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल को जो लोग महसूस करते हैं, तो आज ये मैसेज उन लोगों के लिए है। और जो लोग महसूस नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है। जो लोग हाईली कनेक्टेड है आर्कएंजल माइकल से, आज उनके बारे में बात करूंगी। उन लोगों ने मुझे डीएम किया था इंस्टाग्राम पर, तो वही मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। रितिका अपने फैमिली के साथ शिमला घूमने गई थी और उन लोगों की गाड़ी एक जगह पे जाके खराब हो गई। एक डेढ़ घंटे तक वो लोग वहां पर अटके हुए थे, बहुत टेंशन में थे, क्या होगा ना होगा, कैसे निकलेंगे यहाँ से, कोई मदद के लिए आगे ही नहीं आए। उस रास्ते से ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ियां, इंसान जा नहीं रहे थे, गुजर रहे थे, लेकिन बहुत कम। उस टाइम पे रितिका को आर्कएंजल माइकल की याद आ गई और उसने तुरंत ही आर्कएंजल माइकल को कॉल किया, प्रे किया, मदद मांगी वो, और आर्कएंजल माइकल ने 3 लोगों को भेज दिया मदद के लिए। और तभी से रितिका की बेस्ट फ्रेंड है आर्कएंजल माइकल। एक दिन रात को प्रकाश मेडिटेशन कर रहा था, आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट हो रहा था। मेडिटेशन खत्म होने के बाद वो सो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसे नींद नहीं आ रही थी, पूरा घर अंधेरा था। उसने जब आंख खोला, उसे एक लाइट नजर आई, ब्लू पर्पल कलर की लाइट, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मूव हो रहा था वो लाइट, और उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। वैशाली का कहना है कि जब भी वो आर्कएंजल माइकल को याद करती है, उनका नाम लेती है, उसके दिल में कुछ अजीब सा होता है। मतलब आर्कएंजल माइकल ऐसे याद किया या फिर नाम लिया, उसका दिल धक करके ऐसे धड़कने लगा, मतलब धक करके उठा ऐसे। सबके अलग अलग फीलिंग्स है, ऐसे मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ। उसने जो कहा मैंने वही शेयर किया। एक दिन ज़ाहिरा छत पर टहल रही थी शाम को, उसने अचानक से सोचा कि सच में यूनिवर्स है क्या, वो हमारी बात सुनते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, मैं कितना कनेक्टेड हूँ यूनिवर्स से, यूनिवर्स मेरी बात सुनते हैं या नहीं, एक बार चेक करते हैं। तो उसने कहा कि अगर यूनिवर्स मेरी बात सुनते हैं तो मैं 10 तक काउंट करूंगी और मुझे कौवे की आवाज चाहिए, तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ यूनिवर्स मेरे साथ कनेक्टेड है। 10 तक काउंट करने के बाद उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई कौवे की आवाज नहीं आई। इजीली शाम को उसे मिल सकता था, फिर उसने सोचा कि चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं, तो इस बार डॉगी की आवाज़ चाहिए, लेकिन इस बार कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसने सोचा एक बार आर्कएंजल माइकल को पुकारते हैं, देखते हैं कि वो मेरे साथ कनेक्टेड है या नहीं, मेरे साथ सच में है या नहीं। तब उसने कहा कि
दस तक मैं काउंट करूंगी, अगर मुझे व्हाइट आउल दिखाई देता है तो मैं मान जाऊंगी कि आर्कएंजल माइकल मेरे साथ है। 1 2 3 4 5 6 सिक्स बोलने के बाद ही वो रुक गई, क्योंकि तब उसके सामने एक व्हाइट आउल आसमान से गुजर रहा था और जाके उसके पास वाले बिल्डिंग में ऊपर में एकदम बैठ गया। उसके भी रोंगटे खड़े हो गए और आंख में आंसू आ गया। सो कभी भी गिव अप मत करें, धैर्य रखिए, बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, आस्था रखिए एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, गॉड पे, डिवाइन पे, वो हर समय हमारे साथ है। ट्रस्ट द सेज ऑफ एन ऑलवेलेंट यूनिवर्स। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। राधे राधे।